हाउ टू एक्सपोर्ट इन डीआर कोंगो फ्रॉम इंडिया. डीआर कोंगो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. हिंदुस्तान से आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये वीडियो बहुत प्यारा होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला. नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर. दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं. तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या कंपिटिटर है, कौन कौन सी वो कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि डीआर कोंगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ज़्यादा इंपोर्ट करता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है. बेसिकली उसमें टेक्निकल रिसर्च, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है डीआर कोंगो के बारे में, कि डीआर कोंगो क्या है, उसकी करेंसी क्या है, उसकी क्या पर कैपिटा इनकम क्या है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे. बेसिकली अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना. चाइना यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है डीआर कोंगो को, क्योंकि चाइना सस्ता देता है. लेकिन अभी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आ रही हिंदुस्तान के पास में, आसपास की कंट्री के पास में, क्योंकि चाइना से उठ उठ के जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली आ रही हिंदुस्तान में या वियतनाम में, मैक्सिमम हिंदुस्तान को टारगेट कर रही है कंपनीज, क्योंकि हिंदुस्तान के पास में यंग जनरेशन है, अच्छी मैन पावर है, सस्ती मैन पावर है, सस्ती लेबर है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है, इसलिए लोग हिंदुस्तान में अभी बिजनेस हब बनाना चाह रहे हैं. धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है कि इजी डूइंग ऑफ बिजनेस को हिंदुस्तान में कैसे लाया जाए. ज़्यादा से ज़्यादा इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में अगर काम किया जाएगा, तो ध्यान रखिए मेरे वर्ड्स को, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के 10 साल के बाद में आप ध्यान रखिए हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, चाइना प्लस होगा, जो कि अभी चाइना का कंडीशन है. चाइना वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, हिंदुस्तान ऐसे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा. चाइना की पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी शांति प्रिय देश, सबके साथ सबका विकास वाली पॉलिसी है. तो चाइना से हम आगे जरूर निकलेंगे, आपका साथ रहा जरूर हम आगे जाएंगे. तो चाइना कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली चाइना 460 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 19% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ कोंगो. अगर मैं फ्रांस की बात करूं कि फ्रांस कितना एक्सपोर्ट कर रहा है डीआर कोंगो को, तो डीआर कोंगो फ्रांस से इंपोर्ट कर रहा है 294 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है फ्रांस से, दैट इज अराउंड 12% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कोंगो. अगर बेल्जियम की बात करें, तो बेल्जियम 211 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है डीआर कोंगो को, दैट इज अराउंड 9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कोंगो. रसिया भी पीछे नहीं है, रसिया पर ईयर 104 मिलियन डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट करता था बेसिकली डीआर कोंगो को, दैट इज अराउंड 4.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कोंगो. अगर यूएसए की बात करें, तो यूएसए भी बेसिकली 97 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करता है, पर ईयर एक्सपोर्ट करता है डीआर कोंगो को, दैट इज अराउंड 4% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कोंगो. और सिक्स्थ प्लेस पे आते हैं बेसिकली हम लोग, वी आर द वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इनटू कोंगो, डीआर कोंगो. डीआर कोंगो हमसे कितना इंपोर्ट करता है पर ईयर, हमसे 77 मिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.2% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कोंगो. यानी डीआर कोंगो जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 3.2% पूरा हिंदुस्तान से इंपोर्ट करता है, तो एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं. इसलिए मेरा प्रार्थना है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और टारगेट करें डीआर कोंगो को, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, बेसिकली जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है. अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वो प्रोडक्ट है जो कि डीआर कोंगो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, उससे पहले बता, जो बेसिकली हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, उसको आप गवर्नमेंट के क्या क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या उसमें बेसिकली आप आगे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कितना ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं. आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ टॉप प्रोडक्ट कौन कौन सी जो कि डीआर कोंगो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मीट, एडिबल मीट ऑफल, बेसिकली वो कितना इंपोर्ट कर रहा है 254 मिलियन डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कोंगो. यानी डीआर कोंगो जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 10.8% वो मीट या इडेबल मीट फ्लोट ऑफल यूज कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है. सेकंड नंबर की बात करें, तो सेकंड नंबर वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, शिप्स या फिर बोट, यही सब वो इंपोर्ट कर रहा है. तो वो सेकंड नंबर पे कितना इंपोर्ट कर रहा है, शिप्स, बोट्स या फ्लोटिंग स्ट्रक्चर वो इंपोर्ट कर रहा है
229 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 9.75% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रोडक्ट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स, बेसिकली वो इंपोर्ट कर रहा है 199 यानी 200 अराउंड लगभग 199 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 8.48% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो। अगर मैं सीरियल्स की बात करूं यानी अनाज, जैसे गेहूं चावल वगैरह हो गया बेसिकली, तो अनाज वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, सीरियल्स वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली सीरियल्स वो 138 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू डीआर कॉन्गो, दैट इज अराउंड 5.89% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो। अगर मैं बात करूं व्हीकल की, व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बेसिकली जैसे क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, बहुत सारी हमारी इंडियन कंपनीज है जो कि बहुत सारी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करती है, अफ्रीकन कंट्री को भी एक्सपोर्ट करती है, तो बेसिकली व्हीकल ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स को कितना इंपोर्ट करता है, 114 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.8% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो। अगर मैं 6th नंबर की बात करूं तो 6th नंबर पे आता है बेसिकली मिनरल फ्यूल, एडिबल फ्यूल, वैक्स, ये सब प्रोडक्ट वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, 100 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 4.26% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ द डीआर कॉन्गो। अगर मैं 7th नंबर की बात करूं तो 7th नंबर पर इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर के लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, तो वो सब कितना इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल आइटम वो पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है 96 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.11% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो। अगर मैं बात करूं 8th नंबर की तो 8th नंबर पे आता है फिश या फिर अदर जो सी फूड्स होते हैं, तो वो सी फूड्स कितना इंपोर्ट करता है, सी फूड्स पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली 94 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.0% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो, अगर जो कि बेसिकली उड़ीसा से बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल से ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र से, मुंबई के आसपास से भी बहुत ज़्यादा सी फूड्स एक्सपोर्ट होता है और स्पेशली कोलकाता पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, अगर मैं बात गुजरात से भी होता है। अगर मैं बात करूँ केमिकल या केमिकल प्रोडक्ट्स वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट जो कि बेसिकली हम गुजरात से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, गुजरात से इवन चाइना को भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली गुजरात उसके लिए हब है, अगर आप गुजरात के रहने वाले तो केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल आप बहुत ज्यादा कंट्री में आप टारगेट कर सकते हैं, डीआर कॉन्गो में भी टारगेट कर सकते हैं अगर आपके पास में अच्छी क्वांटिटी है और अगर प्राइस आप ठीक रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, आपने स्पेशली जो आपका केमिकल है या ऑर्गेनिक केमिकल है, तो डीआर कॉन्गो आपके लिए एक सही जगह होगी जहां पर आप टारगेट कर सकते हैं। तो डीआर कॉन्गो कितना केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली 85 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.64% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो। अगर मैं बात करूं बेसिकली 10th नंबर की, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली 80 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 3.42% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ डीआर कॉन्गो, यानी बेसिकली वो डीआर कॉन्गो 3.42% इंपोर्ट कर रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो कि हिंदुस्तान में अगर मैं बताऊं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मोर देन 5000 यूनिट्स है जो कि FDA अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड अगर हमारी यूनिट्स हैं तो बेसिकली अफ्रीकन कंट्री में तो ईजिली पास हो जाती है, वहां पर रिजेक्ट नहीं होती है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है डीआर कॉन्गो के लिए, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी यहां पे 48.99 बिलियन डॉलर का है डीआर कॉन्गो का, पॉपुलेशन 9.6 करोड़ का, जिसमें हिंदुस्तानी भी बेसिकली 13,000 हिंदुस्तानी भी रहते हैं जो कि डीआर कॉन्गो में बिजनेस कर रहे हैं। देखिए जहां पे ग्रोथ हो रही है अभी, जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिखाई दे रही है, जहां पे उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, जहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहीं डेवलपमेंट का बेसिकली अपॉर्चुनिटी, वहीं बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कंट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, 501 यूएस डॉलर का ही पर कैपिटा इनकम है, जो कि इंडिया का 2500 यूएस डॉलर के आसपास है, मतलब हमसे लगभग ये बाई फिफ्थ हमारा पर कैपिटा इनकम है, यानी थोड़ा गरीब कंट्री है। अगर मैं बात करूँ जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है डीआर कॉन्गो के जीडीपी में, 43.71% का कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडस्ट्री 22.6% का कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो 33.1% का कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में,
डीआर कोंगो की। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं तो 19.4 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट की बात करूं तो 8.78 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो फ्रेंच भी चलती है, कोंगो भी चलती है, लिंगाला भी चलती है। अगर करेंसी की बात करूं तो बेसिकली करेंसी आती है कोंगोलीज फ्रैंक, जो कि इक्वल टू होता है 0.04 INR, यानी 1 INR, 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 24.84 कोंगोलीज फ्रैंक, यानी जो वहां की करेंसी है डीआर कोंगो की। अगर कैपिटल की बात करो तो किंग सासा बेसिकली उसकी कैपिटल है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि किंग सासा या फिर मतलब डीआर कोंगो यानी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन सबको शेयर कीजिए। या जॉब कर रहे हैं उनको बिजनेस में आना है, जो जॉब कर रहे हैं उनको डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है, या फिर कोई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं डीआर कोंगो, उनको भी आपको शेयर कीजिए। और मेरे द्वारा देगी जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.